जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर। आज हमने पंधाना के गणगौर घाट का निरीक्षण किया है और हर साल हम लोग यहाँ पर व्यापक स्तर पर गणगौर उत्सव मनाते हैं और इस वर्ष भी 26 तारीख को गणगौर उत्सव का आयोजन हमारे पंधाना में होने के लिए जा रहा है, जिसमें प्रभारी मंत्री माननीय उषा ठाकुर जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी भी इसमें उपस्थित होंगे और ये जिले का सबसे बड़ा गणगौर उत्सव है। उसकी तैयारियों का आज जायजा लिया है ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। लगभग 5 से 7 हज़ार की संख्या में यहाँ पर जनता एकत्रित होने वाली है गणगौर उत्सव का आयोजन देखने के लिए और आज समस्त कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष जी विशाल चौहान जी, फकीर चंद कुशवाहा जी और अन्य सभी सम्मान्य कार्यकर्तागण यहाँ पर इसके निरीक्षण करने। पंधाना में कितनी जगह पर विसर्जन होगा? कुल 3 जगह माता विसर्जन होने वाला है। एक पंधाना जहाँ पर हम खड़े हैं, एक कुंडिया और एक छिल्टिया। समस्त घाटों की साफ सफाई की जा चुकी है, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, लाइटिंग व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है और शासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया ताकि जनता को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। 24 घंटे में बना ही है, बहुत अर्जेंट में बना है, बहुत अर्जेंट। पूरा उधारी पे चढ़ा था, ये पूरा उधारी पे चढ़ा था। परिषद की बाटी थी नहीं, जब नहीं थी ना प्रशासनिक काल था। मैं कह रहा हूँ भैया, अपन ने फिर भी इतना बढ़िया व्यवस्था कर दी है, इसके पहले के इतने लोग आए उनने तो सोचा भी नहीं है के बारे में यार। क्या पानी का क्या संजीव भाई, लाइट आ गई है, वो वीरेंद्र के पापा आ रहे हैं, बोल रहे हैं। मेरे को बोला ना अभी, मैं घर गया था उनके, वो बना लो छोटा सा। जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नार्मदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आरएनके कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर। साथ ही पाएं एक विशेष ऑफर, जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री।